वहीं सुपेला थाना पुलिस नीलेश हत्याकांड के फरार तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने कुएं से मृतक के मोबाइल को भी बरामद कर लिया है। स्मृति नगर क्षेत्र में निवासरत मृतक नीलेश ढारे बीते 17 अक्टूबर से घर से लापता था, जिसकी रिपोर्ट होने पर पुलिस द्वारा उसकी पतासाजी की जा रही थी। मृतक की हत्या के मामले में पुलिस द्वारा 3 नवंबर को 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। वहीं 3 अन्य फरार आरोपियों की पतासाजी की जा रही थी, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके नाम हरीश निषाद, अभिषेक एक्का और अभिषेक जंघेल बताए गए हैं। मामले की पूरी जानकारी सुपेला थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा ने दी। 10/2022 को स्मृति नगर चौकी एरिया में एक गुम इंसान कैम कराया गया था। नीलेश ढेरे करके एक गुम लड़का जो है गुम हुआ था, जिसकी गुम इंसान की जांच के दौरान पे कुछ संदेहास्पद चीज़ें CDR वगैरह में देखने को मिली थी हमको, जिसके आधार पर टीम बनाकर पुलिस के द्वारा लगातार पता तलाश किया जा रहा था। गुम इंसान की पता तलाश के दौरान छः संदेहों को हमने अपने हिरासत के लिए आता हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर चौंकाने वाले जो तथ्य है वो सामने आए थे कि ये जो गुम इंसान है इसको यहाँ से अपहरण करके ले गए थे और सिंगा के आसपास के एरिया में उसका मर्डर करके बॉडी को कई पार्ट्स में कर 4 अलग अलग बोरों पर डिस्पोज किया गया था। आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर उनके निशानदेही पर एक बोरा जो है वो बॉडी जो धड़ का हिस्सा है वो बरामद करने पर सफलता मिला था। साथ ही घटना में प्रयुक्त काफ़ी सारे जो हथियार जो थे अलग अलग वो सारा कुछ पुलिस ने बरामद कर लिया था। प्रकरण में 4 आरोपी अभी फरार थे, जिनके संबंध में पुलिस ने लगातार मुखबिर वगैरह लगा के रखा था, पर पकड़ने में सफलता नहीं मिली थी। आज दिनांक को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 4 आरोपियों में से 3 आरोपी हरीश निषाद उर्फ राजा, अभिषेक एक्का और अभिषेक जंगेल को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जो राजा है उसके निशानदेही पर मृतक का जो मोबाइल था, मिसिंग मोबाइल था, उसको भी बरामद कर लिया गया है। इस तरीके से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले में प्रस्तुत किया जा रहा है। बहरहाल अंधे कत्ल के मामले में पुलिस द्वारा तत्परता से की गई कार्रवाई सराहनीय है। इस मामले में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन अभिषेक के साथ संजय दुबे।